नमस्कार, पुलिस वाला वेब न्यूज की खास प्रस्तुति तफ्तीश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आज हम फिर एक नई घटना को लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। हालांकि घटना बेहद मार्मिक है, दिल को दहला देने वाली है, लेकिन सच आप तक पहुंचाना ही हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारा मकसद भी। जी हाँ, आज हम आपको लेकर चलते हैं संस्कारधानी जबलपुर के चरगवा के ग्राम बिजौरी सगड़ा, जहां विगत दिनों केवल अबोध बादल गिरी गोस्वामी का ही कत्ल नहीं हुआ है, बल्कि कत्ल हुआ है रिश्तों का, कत्ल हुआ है भरोसे का, कत्ल हुआ है मानवता का, कत्ल हुआ है भावनाओं का, कत्ल हुआ है एक ममता का, कत्ल हुआ है एक पिता के दिल और दिमाग का। और कत्ल करने वाला कोई गैर नहीं था, बल्कि कत्ल करने वाला उस मासूम बादल का सगा अपना ताऊ अनिल गोस्वामी था। ये वही अनिल गोस्वामी था जिसने चंद पैसों के लालच में अपने ही खून को हमेशा हमेशा के लिए मौत की गहरी नींद में सुला दिया। दादाजी, कब की घटना है और क्या हुआ, कैसा हुआ? जी भाई, ये 10:30 बजे के बाद की। क्या हुआ था? बच्चा खेल रहा था उस मोहल्ले में, तो एक लड़की ने बताया कि ये रोते हुए मतलब वहीं रास्ता से निकला, और इसके बाद में हम लोग मतलब 10 बजे के बाद ढूंढने गए तो उसको ढूंढे तो लापता, मतलब कहीं पता ही नहीं चला। अच्छा, और स्कूल जाता था वो? हाँ, स्कूल जाता था। कौन सी क्लास में पढ़ता था? तीसरी क्लास में। कौन सी स्कूल में? वो ठाकुर हरी सिंह स्कूल। आज स्कूल नहीं गया था? आज नहीं गया। अच्छा, क्या नाम था उसका? बादल गिरी। फिर इसकी शिकायत थाने में की आपने? की। क्या बोला पुलिस ने? पुलिस ने बोला कि हफ्ते को ढूंढेंगे। आपको किसी के ऊपर शक है या कोई ऐसा लग रहा है आपको? शक है। किसके ऊपर? ये एक तो लोग रहे जो गांव से 10 बजे के बाद बोल। तो इसकी आपने पुलिस से बोला इसका? बोला। क्या बोला पुलिस ने? पुलिस ने बोला कि नंबर वंबर ले रही है। हाँ, तो इसकी पूरी जानकारी जिनको शक है आपको ऊपर, जिन लोगों के ऊपर, उसकी जानकारी आपने संबंधित थाने में DI को या पुलिस को दी? पुलिस को। उनके नाम हम बता दिए। नाम? क्या नाम है आपका? अन्नू गिरी। कौन है आप बच्चे के? बड़े पापा। ये कौन सा गांव? सगड़ा है। ये सच है कि अपराधी का कोई चरित्र और चेहरा नहीं होता, उसकी गलत सोच और उसकी गलत नियत ही हमेशा उसके पतन का कारण बनती है। चंद पैसों के लालच में इस अपराधी ने ये नहीं सोचा कि वो क्या करने जा रहा है। सोचिए उस पल के बारे में जब मासूम बादल अपने ही सगे ताऊ के कहने पर उसके साथ कहीं और जाने को राजी हुआ होगा। एक तरफ बादल के मन में ताऊ के प्रति अथाह प्रेम और विश्वास होगा, और इस ताऊ अनिल के मन में पाप ही पाप होगा। सुबह 10 बजे वो घर से निकला है, इसके बाद से उसका पता नहीं है। गांव में मतलब एक जगह पता चला है, पर वो मतलब कुछ लोगों ने देखा है साहब ठाकुर के यहाँ चक्की लगी है। उसने बैठ के उससे कुछ पूछताछ की, उसके बाद उसके घर से वो उसको खुद पता नहीं है कहाँ गया। क्या नाम उसका? लड़के का बादल गोस्वामी। वो कहीं नहीं जाता था? नहीं, वो कहीं नहीं जाता था, मैं इसी गाँव ही गाँव में खेलते रहता था। स्कूल कहाँ पढ़ता है? स्कूल बिजौरी में, ठाकुर हरी सिंह। कौन सी क्लास? तीसरी क्लास में। क्या नाम? मेरा नाम उत्तम गोस्वामी। थोड़ी देर बाद मैं आई तो मेरे को घर में नहीं मिला। खाना खा लिया? नहीं, ना खाना भी नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं किया, सिर्फ दूध पिया था उसने सुबह। आपसे कुछ बोला था वो? जी नहीं, नहीं, मैं तो आ ही नहीं पाई ना नहा कर। जब मैं आई तो मेरे को घर में नहीं मिला। फिर थोड़ी देर बाद मैंने पूछा कि बादल कहाँ है, तो बोले यहीं पर बैठा था अभी। फिर 2 घंटे बाद मैंने ढूंढवाया तो फिर कहीं नहीं मिला वो। तब धोखा केवल 2 अक्षर का शब्द है, लेकिन इस शब्द के मायने बहुत ही गंभीर हैं। इस शब्द का कोई धरातल नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, और अंत बहुत ही दुखद है। फिर भी लोग एक दूसरे को धोखा देने से चूकते नहीं है, और परिणाम अनंततः बहुत ही गंभीर और हृदय विदारक होता है। ये सवाल आज इसलिए भी जरूरी है कि पूछिए उस मासूम की माँ की ममता से, पूछिए उस मासूम के पिता से जो अपने बच्चे के बिना कैसे जी रहा होगा। और ये बड़ा दर्द देने वाला, धोखा देने वाला कोई और नहीं था, बल्कि उसका सगा भाई था, यानी मासूम बादल का ताऊ अनिल गोस्वामी। क्या था घटनाक्रम? थाना चरगवा अंतर्गत 10 वर्षीय बालक बादल की नृशंस हत्या हुई थी, जिसमें पुलिस ने हत्या का पर्दाफाश कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें अपराधियों के विरुद्ध थाना चरगवा में अपराध क्रमांक 133, 19 धारा, 363, 364, 302, 201 के तहत मोहनलाल उर्फ गुड्डू तिवारी, पिता भगवत प्रसाद तिवारी, उम्र 39 वर्ष, निवासी सगड़ा, मुकेश श्रीपाल, पिता स्वर्गीय रम्मू श्रीपाल, उम्र 39 वर्ष, निवासी सगड़ा, अनिल उर्फ अन्नू गोस्वामी, पिता चंदनगिरी गोस्वामी,
उम्र 38 वर्ष निवासी सगड़ा को हत्या के मामले में आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर ही घटना के वक्त पहने हुए कपड़े, मोटरसाइकिल, घटना स्थल से तार के टुकड़े जब्त किए थे। अब चलिए हमारे तफ्तीश की पड़ताल टीम के प्रमुख सहयोगी कुणाल सिंह, धनंजय शर्मा, सुनील सेन और कोमल पटेल के साथ हम बताते हैं घटना का विस्तृत विवरण। दिनांक 8 अप्रैल 2019 को थाना चरगवा में सतनाम गिरी गोस्वामी निवासी ग्राम सगड़ा द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई कि उसका भतीजा बादल गिरी गोस्वामी उम्र 10 वर्ष का अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अपहरण किया गया है। पुलिस ने अपहरण करने की आशंका पर अपराध क्रमांक 133 19 धारा 363 ताही का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था। इस दौरान विवेचना के दिनांक 11 अप्रैल 2019 को रामजी श्रीपाल के खाली पड़े मकान के अंदर गलियारे में प्लास्टिक की बोरी के अंदर अपहृत बालक बादलगिरी गोस्वामी की लाश बिजली के तार से बंधी मिली, जिस पर पुलिस ने प्रकरण में धारा 364, 302, 201 भाजी बढ़ाई। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जबलपुर निमिष अग्रवाल के आदेशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राय सिंह नरवरिया के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक बरगी रवि सिंह चौहान के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी चरगवा उप निरीक्षक नितिन कमल, थाना प्रभारी ओमती नीरज वर्मा और थाना प्रभारी शहपुरा घनश्याम सिंह मरसपोले और साइबर सेल की टीम और थाना चरगवा के स्टाफ की एक विशेष टीम विवेचना हेतु गठित की गई थी। विवेचना के दौरान गांव के महिला और पुरुष और बच्चों से लगातार सघन पूछताछ की गई और बालक बादल की खोजबीन के लिए निरंतर तलाशी अभियान चलाया गया। बालक के आने जाने के रास्ते पर लोगों से बारीकी से पूछताछ कर लगातार खोजबीन की गई। ग्रामीण जनों से बारीकी से की गई पूछताछ के आधार पर संदेही मुकेश त्रिपाल से सघन पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं और गुड्डू उर्फ मनोहर लाल तिवारी और अनिल उर्फ अन्नुगिरी गोस्वामी जुआ खेलने और शराब पीने के आदी हैं। तीनों ही अभी हाल ही में गोटेगांव जिला नरसिंहपुर में जुए में बड़ी रकम हार कर कर्ज में दब गए थे। कर्ज से उबरने के लिए तीनों के द्वारा सुनियोजित षड्यंत्र रचकर अपहरण कर फिरौती की रकम वसूलने की नियत से 8 अप्रैल को प्रातः लगभग 10:45 पर मुन्ना सेठ की दुकान के पास से मृतक बादलगिरी गोस्वामी, जो कि इन तीनों से पूर्व से भली भांति परिचित था, इस मासूम को ये बहला फुसला कर ले गए और लाखन गोंड के सूने पड़े मकान पर ले जाकर आरोपियों द्वारा बादल को छिपा कर उसके हाथ पैर और मुँह बांध कर रखा गया। इसी बीच बादल के पिता और परिवारजन और गांव के लोगों द्वारा मासूम बादल को सक्रियता से ढूंढने पर आरोपी गण घबरा गए और बालक की मुंह दबाकर हत्या कर दी। वहीं 9 अप्रैल और 10 अप्रैल को ग्रामीण जन और पुलिस द्वारा लगातार गांव और आसपास के क्षेत्र में बादल की तलाश के प्रयास किए गए। रात में लगभग 2:30 जब ग्रामीण जनों और पुलिस की सक्रियता कुछ कम नजर आई तो आरोपी गण गुड्डू तिवारी, मुकेश श्रीपाल और अनिल उर्फ अन्नु गोस्वामी, तीनों गुड्डू तिवारी की मोटरसाइकिल टीवीएस से लाश को नर्मदा जी में फेंकने की नियत से लाखन गोंड के मकान से निकले, किंतु लोगों की चौकसी को देखकर बालक की लाश को गांव से बाहर न ले जा सके। मजबूर होकर तुरंत रामजी श्रीपाल के सूने पड़े मकान के अंदर गलियारे में लाश को छिपा दिया। आरोपी गण लगातार लाश को ठिकाने लगाने की फिराक में थे, किंतु लोगों की सक्रियता के चलते ये लोग लाश को ठिकाने नहीं लगा सके और 11 अप्रैल को रामजी श्रीपाल के मकान से बदबू आने पर मृतक के परिजन और गांव के लोगों ने जब वहां जाकर देखा तो बालक बादल की लाश मिली। उल्लेखनीय है कि प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी पर पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर जोन जबलपुर विवेक शर्मा द्वारा ₹25,000 का नगद पुरस्कार उद्घोषित किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों में से गुड्डू उर्फ मनोहर लाल तिवारी निवासी ग्राम सगड़ा के द्वारा वर्ष 2008 में अप्रैल माह में भी मृतक अज्जू उर्फ भूरा लोधी पिता हाकम सिंह निवासी बिजौरी थाना चरगवा की अपहरण कर न्यू भेड़ाघाट नर्मदा नदी के किनारे अपने अन्य साथी दिनेश उर्फ दिन्नू राय और छुट्टू यादव निवासी जमुनिया थाना चरगवा के द्वारा गला दबाकर हत्या कर लाश को पत्थर की खदान में रखकर जला दिया था और मृतक के पहने हुए कपड़ों को घुघरा नाले में फेंक दिया था। इस प्रकरण में तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी कर न्यायालय में चालान पेश किया गया था। माननीय सत्र न्यायालय से तीनों आरोपियों को उम्र कैद और ₹5,000 के अर्थदंड से दंडित भी किया गया था, जो वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश से जमानत पर बाहर थे।
इस पूरे प्रकरण में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर राय सिंह नरवरिया और नगर पुलिस अधीक्षक बरगी रवि सिंह चौहान के कुशल मार्ग निर्देशन में आरोपियों को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी चरगवा, उपनिरीक्षक नितिन कमल, थाना प्रभारी ओमती श्री नीरज वर्मा और थाना प्रभारी शहपुरा श्री घनश्याम सिंह मरसकोले और एफएसएल साइबर सेल क्राइम ब्रांच टीम का विशेष योगदान रहा है। अंतर्गत बादल गोस्वामी के घूमने की सूचना प्राप्त हुई थी, उसके पश्चात 11 अप्रैल को बच्चे की उसी गांव में बोरी में लाश मिली थी। इसमें चरगवा पुलिस क्राइम ब्रांच और एडिशनल एसपी रूरल राय सिंह ने काफ़ी अच्छी मेहनत करी है और इसके बाद ये पता चला है कि 3 आरोपियों द्वारा बच्चे को जब वो अपने पास के एक मकान से अपने खेल के वापस लौट रहा था तब उसको अगवा करके उसका वहीं गांव के अंदर एक सूने मकान में कत्ल किया गया और फिर उसके बाद उसकी बॉडी को जहां पे लाश उनको 11 तारीख को मिली थी वहां पे डंप किया गया। इसमें जो एक आरोपी है गुड्डू तिवारी उस पर पूर्व में भी इसी तरह की एक घटना अंजाम उसने दी थी जिस पे उसको आजीवन कारावास की भी सज़ा पड़ी हुई है और वर्तमान में उसकी जानकारी अनुसार वो जमानत पर हैं। इसमें इन तीनों को हमने आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है और आगे इनसे हम और पूछताछ कर रहे हैं कि इस तरह की जो और घटनाएं भी अगर इन्होंने कोई करी हुई हो तो वो भी हम उसमें पता लगाएंगे। मुख्य कारण जो इस घटना करने का है वो पैसे के लिए है। ये इन तीनों का प्लान जो था बहुत लंबे समय से फिरौती मांगने का चल रहा था और तीनों ही जो है ये कर्जे में डूबे हुए हैं और जुआ खेलने के आदी हैं जैसा कि गांव से इनकी शोहरत मिली है और इसके चलते जो है ये पूरा इनका फिरौती का कार्य ये करना चाह रहे थे और इसी के चलते इन्होंने बच्चे को जो है अगवा किया। बच्चे को जब अपने जिस घर में बच्चा अपने दोस्त से मिलने गया था पढ़ने गया था वहाँ से जब लौट के आया है तब ये बच्चे को एक सूना मकान है लखन गुण का उस सूने मकान में लेके गए हैं। वहाँ पे इन्होंने बच्चे को उसकी हत्या करी है। इनका जो प्रोग्राम था वो शुरू से ही बच्चे की हत्या करने का था और गुमराह करके फिरौती के पैसे मांगने का इनका प्रोग्राम था। उसके बाद इन्होंने जो है जब पुलिस की दबिश और गांव वालों की दबिश जब तेज हुई तो उसके बाद इन्होंने जो है उस बच्चे की बॉडी को जहाँ पर मिली थी उस घर में उस बच्चे को बॉडी को फेंका इन्होंने। और इसमें ये भी उल्लेखनीय तथ्य है कि जहाँ पे बच्चे की बॉडी मिली थी उसके बगल वाला मकान ही मुकेश श्रीपाल का मकान है जो इसमें एक आरोपी है। तो इस तरह से इस पूरी घटना को इन्होंने अंजाम दिया है। इनके 15-20 लाख तक की तो इनकी प्लानिंग थी परंतु इसमें घर वालों द्वारा जो तत्काल सर्चिंग शुरू कर दी बच्चे की उसके बाद जो है इनका पूरा प्लान था ये फेल हो गया। हाँ, एक इसमें जो आरोपी है वो बच्चे का रिश्तेदार भी है। 2008 में गुड्डू तिवारी ने अपने एक साथी को भेड़ाघाट ले जाके उसका मर्डर किया था और बाद में जो है उसमें उसकी गिरफ्तारी हुई और उसको आजीवन कारावास की सज़ा भी पड़ी है। उसमें महिला भी शामिल है? नहीं, इसमें ये 3 आरोप है। इसमें मुकेश ने लगाया था। ये आज सभी आरोपी अपनी करनी की सजा के तौर पर जेल की सलाखों के पीछे अपने पापों को गिन रहे हैं। इस हत्याकांड का सबसे दुखद पहलू ये रहा कि मासूम बादल के अपहरण से लेकर उसकी मौत में उसका सगा ताऊ अनिल शामिल रहा। जहां अनिल ने अपने साथियों के साथ इस बड़े अपराध को जन्म दिया, वहीं अनिल लगातार पुलिस को गुमराह कर मृतक बादल को ढूंढने का नाटक भी करता रहा। लेकिन कर्मियों की सजा से कौन बचा है और प्रकृति ने किसको छोड़ा है? चंद रुपयों के लालच में अपने ही चिराग को मौत के घाट उतारने वाले अनिल गोस्वामी जैसे लोग इंसानियत के नाम पर कलंक हैं और एक काला धब्बा है। इस पूरे घटनाक्रम पर स्थानीय विधायक संजय यादव ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं ग्रामीण जनों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। अभी भी मासूम बादल के परिवार को लगता है कि बादल कहीं से आना चाहे। पूरे गाँव में और परिवार में सन्नाटे की गूंज और ममता का दर्द अभी भी इंसानियत को रुला रहा है। निश्चित रूप से बड़ी विभत्स और निंदनीय घटना है। कल मैं जब यहाँ आया था तो जिस तरह के लोगों में आक्रोश था उसके बाद पुलिस ने सक्रियता दिखाई और आज बच्चे की वहाँ पर लाश मिली है। निश्चित रूप से बहुत निंदनीय दर्दनाक हादसा है। मैं इस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और पुलिस बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई होगी। जो भी इसमें जो दोषी है बख्शा नहीं जाएगा। हम इस
परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। एक छोटा सा बालक बड़ा दुखित और विभत्स रहता है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। तो ये थी हमारी आज की खास पड़ताल तफ्तीश, जहां हमने लालच में रिश्तों का कत्ल होते हुए देखा है। काश मनुष्य ये समझ पाता कि गलत काम का परिणाम कभी भी सुखद हो ही नहीं सकता। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।